जब भी रात को बिस्तर पर जाता है तो वो बस ऐसे नहीं कि बस गया और बिस्तर पर बेसुध होकर पड़ गया, बल्कि वो पहले अपने दिन की मसरूफियात का जायज़ा लेता है, देखता है कि आज दिन भर उसने क्या काम ऐसा किया। ये तो नहीं लग रहा जी, तो उल्टा लगा रहा हूँ मैं जी, क्या आज दिन भर उसने क्या ऐसा किया कि जो रब को राज़ी करने वाला था, क्या उसने खैर का काम किया, क्या उसने भलाई का काम किया, क्या उसने दूसरों के लिए क्या किया, अपने लिए क्या किया, और कौन सा काम ऐसा था जो रब को नाराज़ करने वाला था। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, खुद एहतसाबी। और फिर उसके बाद वो जहाँ कहीं, पर एक हदीस का मफहूम भी है कि जहाँ कहीं उससे दिन भर की गलती और कोताही होती है, वो रब से माफ़ी मांग कर सोता है कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ये दिन में मुझसे कोताही हुई, ये मुझसे गलती हो गई। तो अपने मामलात को क्लियर करके सोता है, क्योंकि कुरान ये कहता है कि ये जो तुम्हारी नींद है ना, ये भी तुम्हारी एक मौत के मुतरादिफ़ है ज़िंदगी। अब तो ये वाक़यात आम मिलते हैं, आपने भी आप सुने होंगे कि भाई सोया बंदा उठा ही नहीं है, पहले कभी कभी सुनने को मिलता था, अब तो नौजवान ऐसे, यानी वहाँ जहाँ मैं रहता हूँ एडमिंटन शहर में, वहाँ पर कोई तकरीबन पिछले जाना वो कोई 1.5-2 साल में कम अज़ कम को 5-6 यानी कि 19 साल 20 साल 25 साल के जो नौजवान हैं उनका मैंने ये सुना कि भाई वो सोए हैं रात को, फिर सुबह उठे नहीं। तो यानी ये जवानी या बुढ़ापा को मैटर नहीं है ये ज़िंदगी, तो ये मौत की एक कैफियत है जो इंसान पर तारी होती है। तो वो अपनी मैं कि वह आमिल अलमा आबाद अलमौत, और काम वो करते हैं जो मरने के बाद उनको फ़ायदा देते हैं। शायद इमाम गज़ाली लिखते हैं, फरमाते हैं कि एक दफ़ा एक बादशाह, तो उसका बड़ा खूबसूरत महल और उसके साथ उसके पैलेसेस के साथ बड़ा खूबसूरत उसका बाग, और बाग एक नहीं थे, कई उसकी लेयर्स थी उसके बाग की, बड़े खूबसूरत उसमें दरख्त थे, बड़े बेहतरीन फल थे। उसने अपने खादिम को एक दिन बुलाया और उसने कहा कि ये तुम जाना वो ले जाओ, ये टोकरी ले जाओ, ये तुम बकेट ले जाओ और बास्केट, इसमें जाना वो तुमने जाकर इस गेट से दाखिल हो जाओ। और ज़ाहिर है उसके ओर सारा गार्डन था, इर्द गिर्द दीवारें और दरवाज़े, और दाखिल हो जाओ और तुम्हें जो अच्छे बेहतरीन फल तुमने उनका इंतखाब करना है, जो तुम्हें अच्छे लगे बेहतरीन लगे, और वो लेकर आओ, लेकर आओगे तो बड़ा इनाम दूंगा, अगर नाकाम आए तो फिर तुम्हें कुछ ना कुछ सज़ा भी तो भुगतनी पड़ेगी। तो उसने पकड़ ली, उसने कहा ये कौन सा काम है, चला गया बाग में, गया देखा बड़ा खूबसूरत बाग है, बड़े अच्छे फल हैं, तोड़ने का इरादा किया, फिर जहन में ख्याल आया कि बादशाह ने कहा क्योंकि बहुत सारी उसकी लेयर्स हैं, तो चलो आगे थोड़ा सा चलता हूँ। बादशाह ने कहा एक शर्त भी है साथ, कंडीशन भी है, और वो कंडीशन क्या है कि जिस दरख्त के पास से गुज़र जाओ दोबारा उसकी तरफ वापस नहीं पलटना है, उसके पास दोबारा वापस नहीं आना है। अब वो चलता जाता है, दरख्तों को देखता है, बड़े खूबसूरत फल, तोड़ने का इरादा भी किया, फिर ख्याल आया नहीं शायद आगे जाऊँ, आगे गया, वाकई बेहतरीन, उससे भी बेहतरीन फल थे, उससे भी अच्छे मज़ेदार लजीज सेब लटकते हुए नज़र आए, कहीं अंगूर, कहीं जाना वो अनार, मुख्तलिफ़ चीज़ें। अब तोड़ने का इरादा किया, फिर कहा नहीं आगे शायद इससे भी बेहतर हूँ, फिर आगे चला, फिर देखा भाई फल तो अभी भी हैं और बड़े खूबसूरत पहले से भी। उसके जहन में ये अब ख्याल आया कि शायद आगे वाला इससे बेहतर होगा, आगे वाला इससे बेहतर होगा, और आगे चला और आगे चला, यहाँ तक कि वो दरख्तों के पास पहुँचा कि जहाँ पर दरख्त भी थे, फूल भी लगे हुए थे, पत्ते भी थे, लेकिन फल नहीं था, फल नहीं था। अब पछताने लगा, ओहो मैंने ये क्या किया, वो पीछे से तोड़ लेता, अब बाहर निकलना ही था, बाहर निकला। तो इमाम गज़ाली ये कहते हैं कि वो जो बादशाह है वो असल में तुम्हें समझाने के लिए है कि वो बादशाह रब कायनात है, और वो जो खादिम हो वो तुम हो, वो मैं हूँ, वो आप हैं, हम सब हैं, और वो जो बास्केट है, वो जो टोकरी है, वो तुम्हारा नामा आमाल है, और वो जो फल तोड़ने के लिए तुम जा रहे हो वो तुम्हारी ज़िंदगी, वो तुम्हें, वो जो तुम्हारे नेक आमाल हैं वो हैं, और जिस दरख्त के पास से तुम गुजरे वो तुम्हारी ज़िंदगी के दिन हैं, वो ज़िंदगी के अय्याम हैं। हर दिन बंदा सोचता है कि मैं आज अच्छे काम करूँगा, फिर सुबह होती है, फिर कहता है चलें आज ये कर लूँ, फिर अब देखें अभी बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, फिर कर लेंगे, फिर सोचता है कि अगले दिन फिर, क्योंकि अंदर इंसान के एक है ना जी जो उसको आमादा करता रहता है, जब तक वो नफ्स अंदर रहता है, नफ्स लवामा कह लीजिए, वो नेकी और बुराई पर उबारता रहता है इंसान को, कभी बुराई कभी नेकी,
और वो मलामत भी करते हैं कि भाई तुमने क्या गलत कर लिया। फिर वो इरादा करता है नहीं आइंदा नहीं, फिर अगला दिन आता है, फिर सोचता है कि मैं अच्छे काम करूँगा, फिर दिन गुजर जाता है। इसी तरीके से दरख्त पास से गुजरते जा रहे हैं और बास्केट हमारी खाली जा रही है। तो हज़रत ने फरमाया कि अक्लमंद वो है कि जो एक तो ये है कि अपने जज्बात पर जिसको कंट्रोल हो, अपने इमोशंस पर जिसको कंट्रोल हो, जो जिन अपनी टेम्पटेशंस के पीछे नहीं भागता है बल्कि वो अपने आप पे कंट्रोल रखता है, और फिर दूसरी बात ही कि मरने के बाद वाले जो फ़ायदा देने वाले काम है वो करता है। फिर आपने फरमाया कि वल आजिज, अपने बेवकूफ़ की तारीफ भी फरमाया। आपने कहा तारीफ़ बेवकूफ़ की तारीफ़ क्या है? अब ये दोनों तारीफ़ें अब आप सुन लीजिए और फिर हमने अपना अपना खुद जायज़ा ले लेना कि हम अक्लमंद हैं या बेवकूफ़ हैं। हज़रत ने फरमाया कि वल आजिज़, आजिज़ वो है, बेवकूफ़ वो है कि जो चलता तो अपनी ख्वाहिशात के पीछे है, जो करता तो ज़िंदगी में अपनी मर्ज़ी है, और उस वक्त वो ना रब को देखता है ना उसके रसूल को देखता है, ना कुरान को देखता है ना सुन्नत को देखता है, ना हराम को देखता है ना हलाल को देखता है, अपनी मर्ज़ी करता है, जो उसका दिल चाहता है वो करता है। और फिर कहता क्या है, वतमन्ना अला अल्लाह, कहता रब माफ़ कर देगा, फिर तमन्नाएं रब पर बांधता है, रब माफ़ कहे जी, रब माफ़ कर देगा। और ये जुमला आपने अक्सर सुना हो किसी को, अगर आप बाज़ करें ना किसी बुरे काम से तो वो आगे से कहते खैर ही जी, रब माफ़ कर देगा। यानी हुज़ूर ने कि करनी अपनी मर्ज़ी, रब की नहीं माननी, करनी अपनी मर्ज़ी और कहना ये कि रब माफ़ कर देगा। ये दोनों तारीफ़ें आपको बता दी। अब आपने हमने खुद जायज़ा लेना है कि अक्लमंद कौन है और बेवकूफ़ कौन है। सुभान अल्लाह। नबील आप बल के चेयर पे तो यहाँ पर साथ देख सकती है। मुश्ताक आपका इंतज़ार कर रहे हैं सब, आप कुछ फरमाएं। मैं थोड़ा सा चाहिए अगर मुझे इजाज़त हो तो। जी ज़रूर, दो तीन बातें करके फिर आप जैसे मेरे सिक्की पर बातें आप ही कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान एक नहायत ही अजीम बुजुर्ग शख्सियत, आज से एक सदी पहले बहरा शरीफ की सरजमीन पर एक अजीम शख्सियत है, एक अजीम यानी सूफी और अल्लाह के मुहिब्बीन और इस्लाम के अजीम मुजाहिद हज़रत पीर मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह ताला ने एक ख्वाब देखा था, और उस ख्वाब की ताबीर हमारे पीर व मुर्शिद हजूर हज़रत पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह ताला थे। उन्होंने फिर बड़ी ख्वाबें देखी, बड़ी अजीम ख्वाबें देखी, और उनकी ताबीर भी अपनी आँखों से उन्होंने बहुत सारी की देखी जा रही। जब इस दुनिया से आप रहलत आपने फरमाई तो यकीनन आपकी रू बड़ी खुशी हुई होगी कि अल्लाह ताला ने हमसे काम लिए हैं और अजीम काम लिए जाए ना। लेकिन उनकी मैं समझता हूँ कि तकमील के लिए हजूर हमारे पीर व मुर्शिद हज़रत पीर मोहम्मद अमीनुल हसनात शाह हाफिज़ाहुल्लाह मद्दल्लाहु ज़िल्लहु, मैं समझता हूँ कि हजूर से अलूमत की जो ख्वाब थी वो अजीम मदरसा कायम किया, अजीम निसाब बनाया, किताबें तालीफ फरमाई, शागिर्द बनाए। लेकिन यकीनन आपकी जो ख्वाब थी वो एक बहुत बड़ी ख्वाब थी जाए ना, उसकी ताबीर और उसको वजूद बख्शना और उसको एक अमली शक्ल देना, मैं समझता हूँ कि पीर साहब ने पिछले 25 साल में हमें ये सबूत दिया है कि ये सानी साहब हैं, ये हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत के अजीम जो हैं सज्जादा नशीन
और हम जो हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत से मोहब्बत रखने वाले हैं उन सब की आंखों की ठंडक और उस अजीम ख्वाब की ये मिसलतों के मज़ीद आला ताबीर करने में मसरूफ़ अमल हैं। इसलिए हमें बड़ा फ़ख्र है कि हुज़ूर क़िबला पी साहब हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत ने एक अजीम मदरसा बनाया, पी साहब ने एक अजीम अल करम इंस्टीट्यूट जो यूनिवर्सिटी की जिसने स्टेटस हासिल किया है और यूनिवर्सिटी जो है वो एक यानी मौजूदा दौर की एक ज़रूरत है और बहुत बड़ी यानी इंशाल्लाह इससे हज़ारों लाखों हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत ने हज़ारों की तादाद में पी साहब की इंशाल्लाह वसातत से आपकी कावश से और आपकी मेहनत से लाखों की तादाद तक वो फैज़ जाएगा जिससे हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत की रूह जो है बड़ी खुश होगी। इसलिए हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हुज़ूर क़िबला पी साहब यहाँ हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब शराहली सदरी वयस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। हज़रत मोहतरम हमारे डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला ने एक ऐसी मरकज़ियत अता की है कि जो आदमी भी बेरा से निकलता है मिसर की इलम से भरी हुई फिजाओं में जाता है उसे जब होश आता है तो उसकी आँख यहाँ खुलती है। ये मैं देख रहा हूँ, ये हमारे डॉक्टर मुनीर अजहरी साहब बैठे हैं, ये यहाँ एक अमजद अजीज़ अजहरी साहब बैठे हैं और कौन है और भी हैं और वो डॉक्टर साहब तो खुद हैं ही हैं और एक अब मुझे ये जब फरमाया हुज़ूर ज़ियाउल उम्मत ने कि लाहौर में हमने एक इदारा कायम करना है और उसके लिए अच्छे दोस्तों का इंतखाब करें कि वो जाकर लाहौर एक मरकज़ी जगह है तो जाकर दीन की खिदमत करें नौकरी करें, तो हमने अपनी तरकश के दो बेहतरीन तीर दागे थे, एक को पढ़ाने में मलका हासिल था और एक को ज़बान के ऊपर अल्लाह ने बड़ी गिरफ्त दी थी, तो दोनों लोगों ने अपनी ड्यूटी वहाँ निभाई और आज भी निभा रहे हैं। आज यहाँ तशरीफ़ लाए, मैंने इन्हें यहाँ देखा, ये इनकी मोहब्बत है कि ये आते हुए भी मुझसे मिल के आए, मुझसे दुआएं ली और उम्मीद है जब वापस जाएंगे तब भी ये काम करेंगे, क्योंकि गरीब का सलाम और है और अमीर का सलाम और है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनको अच्छाइयों से भरा रखे। हज़रत मोहतरम मेरे पास बोलने के लिए हिम्मत नहीं है, मैं आपसे सिर्फ ये अर्ज़ करूँ, मैं अभी भी कह रहा था कि मुझे कल परसों एक मेरे अजीज़ हैं उन्होंने एक मैसेज, आजकल सारा इलम मेरे ख्याल में उधर ही चला गया, किताबों की छुट्टी हो गई, तो उसमें उन्होंने लिखा कि किसी बुज़ुर्ग से किसी आदमी ने पूछा रहम क्या होता है करम क्या होता है, मुझे बताएं रहम का मतलब क्या है और करम का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा कि जो चीज़ मांगे से मिले तलब से मिले वो रहम है और जो बग़ैर तलब के बग़ैर मांगे के मिले वो कर्म है। और इस बाबर मिल के तमाम उलमा तमाम बुज़ुर्ग तमाम दोस्तों के लिए मेरी ये दुआ है अल्लाह आपको रहम भी दे और अल्लाह अपना कर्म भी अता करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अफ़ज़लुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा
इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सहाबीही वसल्लम। सारे दुआ फरमाएं अल्लाह ताला इन अल्लाह के घरों को, इबादत के घरों को, इलम के घरों को हमेशा आबादशाद रखें। आप लोग जिस मुल्क में रह रहे हैं बहसीयत मुसलमान, आपका भी एक फरीज़ा है, अल्लाह तौफीक बख्शे कि आप वो अदा करते रहें, और बहसीयत दीन का खादम होने के हमारा भी फरीज़ा है, अल्लाह हमें वो अदा करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला हबीबी खैर खल्की व नूर अर्शी मोहम्मद अली अब्राहिम। डॉक्टर साहब, आपका हुक्म था और आप अहले सुन्नत के अहले इस्लाम के आप मोहसिनीन में आपका शुमार होता है, आपने अपनी ज़िंदगी और अपना इल्म उसको एक तरफ रखा और वो कुछ किया जो करना नायाब है। मैं दुआगो हूँ अल्लाह ताला आपकी इज्जत एहतराम को कायम दायम रखे, और जो इल्म की आप नौकरी और ड्यूटी दे रहे हैं वो भी फिक्र ज़ियाउल उम्मत की ही से मुस्तनीर है। तो मैं दुआगो हूँ अल्लाह ताला आपको ये खैर का सिलसिला हमेशा जारी हो। सारी आजकल दुनिया में सबसे मुश्किल वलायत आना है, आपकी वजह से वो भी आसान हो जाता है, क्योंकि इससे बड़ी मिसमरिज्म और क्या है। अल्लाह आपको अब अच्छा था, मैं सबका शुक्र गुजार हूँ। अगर कोई हिकत शेर पढ़ना ने सलाम दा ते बिशक पढ़ लो, लेकिन लंबा कितने होने तो मैं उठ बैठा। मुस्तफा जाने रश्मि नहीं थोड़ा थोड़ा जा ना हिदायत तेरा मुझसे खिदमत के कुदसी कहें हाँ रज़ा या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावातुल्लाह अलैका सलावातुल्लाह अलैका अस्सलाम ऐ सब्ज़ गुंबद के मकीन अस्सलामे रहमतल आलमीन। दुआ फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया रसूलिल्लाह अमालकुम परदिगार आलम इस नूर नबी रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह में नूर शाम का रोज़ाना पेश किया, इसकी बरकत से हमारे मुश्किलों को सेहत वाफियत सेहत वाफियत वाली ज़िंदगी या अल्लाह, इनके जो सफ़र मुबारक सफ़र है इनको मज़ीद बरकत वाला बना या अल्लाह, खैरियत से आएँ खैरियत से अपने जाएँ या अल्लाह, दीन की खिदमत
उनके पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया के अंदर आपके इदारे कर रहे हैं, सबको कामयाबियाँ या अल्लाह, जो इस इदारों के साथ वाबस्ता हैं या अल्लाह उनको भी तरक्की दा, सबके घरों को आबाद, दिलों को शाद फरमा, दीवारों को शिफाए कुल इदार फरमा। रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, तुब अलैना इन्नका अंतत तवाबुर रहीम। सल्लल्लाहु मुफ्ती आज़म ठीक है, क्या हाल है आपका? खैरियत से? मुबारक हो, शादी हुई, बेटा हुआ, बेटी बेटी।